टॉपिक क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है, पांच समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों के निकट लिगेंडों के पहुंचने से विभिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में विभाजन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या ऊर्जा स्तर विपाटन कहलाता है। जैसे कि डी ऑर्बिटल है या एनर्जी लेवल है लो से हाई की तरफ, इसमें पांच कक्षक होते हैं डी के। तो डी के ये जो पांच समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं इनके निकट जब लिगेंड पहुंचते हैं तो वो विभिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में विपाटित हो जाता है, उनका विभाजन हो जाता है ई जी और टी टू जी में, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, फिर ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि एम एन प्लस है, कल देखा था, बी जो था धातु आयन लिया था और ए थे लिगेंड्स। ये लिगेंड्स है, इसके चारों तरफ छः लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, इन तीनों एक्सिस पर छः लिगेंड इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये जब ऊर्जा वाले जो ये डी कक्षक है इसके निकट जब लिगेंड पहुंचते हैं तो वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और इसे कहते हैं ऊर्जा स्तर विपाटन। अब देखते हैं ईजी ग्रुप क्या होता है। ईजी ग्रुप के अंतर्गत डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आते हैं। इस तरीके से एक्स है, जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है डी जेड स्क्वायर। इसे अक्षीय विन्यास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विन्यास में ऑर्बिटल्स के लोब्स अक्षों के सहारे पाई जाती हैं। ठीक है, लोब्स हैं वो अक्षों के सहारे पाई जाती हैं, अक्षों के ऊपर पाई जाती हैं, अक्षों पर पाई जाती हैं। इस तरीके से डी जेड स्क्वायर में है, ये जेड एक्सिस पर पाई जा रही है, इसलिए इसे कहते हैं हम अक्षीय विन्यास, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं वो अक्षों के सहारे पाए जाते हैं, इसलिए यह ग्रुप ई जी ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट है टी टू जी ग्रुप। टी टू जी ग्रुप के अंतर्गत डी एक्स बाई डी बाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स आते हैं। डी ऑर्बिटल पांच भागों में विभाजित होता है, ई जी और टी टू जी। ई जी में दो ग्रुप आते हैं और टी टू जी में तीन ग्रुप आते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स जेड और डी बाई जेड, तीनों के लोब्स दिए हुए हैं। इसे अक्षीय विन्यास या नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन कहते हैं। नॉन एक्सियल का मतलब है क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब्स अक्षों के बीचों बीच पाई जाती है। ई जी में अक्षों के ऊपर पाई जाती है या अक्षों के सहारे पाई जाती है, लेकिन टी टू जी में अक्षों के बीचों बीच पाए जाते हैं लोब्स। इस तरीके से ये एक्स है, ये बाई है और ये जेड है, तो इनमें अक्षों के बीच में पाई जा रही हैं लोब्स, अक्षों के बीचों बीच पाई जाती हैं। जो पालियाँ होती हैं वो बीचों बीच पाई जाती हैं तीनों में, इसलिए और ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स है का यह ग्रुप है, ये टी टू जी ग्रुप कहलाता है। ई जी में दो ग्रुप आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और टी टू जी के अंतर्गत तीन आते हैं, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स जेड ऑर्बिटल, डी वाई ऑर्बिटल। नेक्स्ट है टी टू जी और ई जी ऑर्बिटल्स के मध्य ऊर्जा के अंतर को डेल्टा ओ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा ओ का मतलब है ऊर्जा डिफरेंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ये दिखाया था, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतर डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा ओ। ई जी और टी टू जी के बीच में डेल्टा ओ से इनके ऊर्जा अंतर को डिफाइन करते हैं। टी टू जी सेट में 0.4 डेल्टा जीरो ऊर्जा की कमी होती है, जबकि ई जी सेट में 0.6 डेल्टा जीरो ऊर्जा की वृद्धि होती है। जैसे टी टू जी सेट में ये है टी टू जी, इसमें 0.4 डेल्टा जीरो में ऊर्जा की कमी होती है, क्योंकि ये नीचे है और नीचे से ऊपर की तरफ जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एनर्जी की वृद्धि होती है नीचे से ऊपर। तो ये टी टू जी से ई जी की तरफ जा रहा है, तो टी टू जी में तो ऊर्जा की कमी हो रही है और ई जी में ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, तो 0.4 डेल्टा ओ इसके लिए ऊर्जा की कमी है और ई जी सेट में 0.6 डेल्टा जीरो ऊर्जा की वृद्धि है। सेम कंडीशन है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, चतुष्फलकीय संख्या लॉ में भी डी ऑर्बिटल पांच भागों में बटा होता है, ये एनर्जी लेवल है, इस तरीके से पांच है स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकंड में इसके पांच ऑर्बिटल है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अपोजिट होता है, इसमें टी टू जी ऊपर होता है और ई जी ग्रुप नीचे होता है। ई जी में दो होते हैं, दो ही है, टी टू जी में तीन है, तीन होते हैं। ई जी में ऊर्जा की वृद्धि होती है 0.6 डेल्टा जीरो की, लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए 0.6 डेल्टा ओ की इसमें कमी हो जाती है, टी टू जी के लिए 0.4 डेल्टा ओ की इसमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन अपोजिट होने का मतलब है कि इसमें जो दो भागों में डी ऑर्बिटल विभाजित होता है, स्प्लिट होता है, उसमें ई जी नीचे आता है और टी टू जी के ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं। ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।